मैया रानी का यहाँ पे मूर्ति है, और यहीं पे देखिए ये पीपल का वृक्ष है, और बहुत ही ऊंचा वृक्ष है ये। अगर आप लोगों को दिखाना चाहे तो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं ये पंडाल का जो गेट देखिए इतना ऊंचाई पे है ना, ये ऊंचाई जितनी की ऊंचाई की काली माँ देख लीजिए, ये बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची मूर्ति है काली माँ। ठीक है, ये कब से क्या बता ना सर, कितना पुष्ट गुजर गया, कितनी ऊंचाई होगी इसकी? 36 फीट। 36 फीट ऊंचाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अभी हैं भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पे, और आज आप लोग को लेके चल रहे हैं इस नाथनगर रेलवे स्टेशन से बहबलपुर, जहां पे अभी काली माँ का जो मतलब मेला चल रहा है। और यहां का बताया गया कि यहां पे बहुत ही जबरदस्त मतलब बहुत पे बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची प्रतिमा बनती है, और लगभग 32 फीट ऊंचाई है उस काली माँ की प्रतिमा की, जिसको बम काली के नाम से फेमस किया। उस लोकेशन पे लेके चलते हैं और उस जगह का व्यू दिखाते हैं। तो कैसे चलना है, अभी फिलहाल हम नाथनगर रेलवे स्टेशन पे उतरे हुए हैं, और इस जगह से यहाँ से लगभग बताया गया कि 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, तो चलिए चलते हैं। और फेसबुक जरूर फॉलो कीजिएगा, और ब्लॉग को छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ का जो काली मेला है ना बहुत ही जबरदस्त, और ये काली माँ का जो यह प्रतिमा है ना इसको बम काली, तो आप लोग को दिखाएंगे कितनी जबरदस्त ये काली माँ है, जो कि बताया गया पीपल के पेड़ के नीचे है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ, करते ब्लॉग का इशारा, कैसे चलना है वो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी देखिए हम जस्ट नाथनगर रेलवे स्टेशन से उतरे हैं, मतलब नाथनगर रेलवे स्टेशन में, और इस नाथनगर रेलवे स्टेशन से अगर आप उस जगह पे चलना चाहते हैं तो इस ट्रेन से उतर के बस जस्ट हम इसी अंदर से प्लेटफॉर्म के अंदर से ही आप लोग को लेकर चलते हैं उस जगह पर। चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। आप लोग देखिए इस जगह पर जब हम अंदर आते हैं, अंदर से चलेंगे सीधा उस जगह पर। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अभी इसी हम ट्रेन से आए हैं, ये जमालपुर भागलपुर DMU इसी ट्रेन से अभी हम आए हैं जस्ट, और लगभग तो ये अभी हमें नाथनगर उतारी है, और इसी रास्ते से हम अभी चल रहे हैं उस जगह पे। तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं कि इस जगह से लगभग तो 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये जहाँ पे काली माँ की ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। तो चलिए चल रहे हैं, हम चलते हैं पैदल ताकि आप लोग को आने जाने में दिक्कत ना हो। बताया गया कि ऑटो मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन हम पैदल ही चलेंगे। इसके बाद आप लोग को दिखाते हैं, देखिए इस छोर से बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच गए हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे बालिका उच्च विद्यालय है, और इसी के जस्ट सामने देखिए ये जो रेलवे क्रॉसिंग पार होने का है, इस साइड का पार होके चलेंगे उस साइड। तो चलिए, तो देखिए जैसे इस रेलवे क्रॉसिंग को पार किए हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऑटो टोटो सब मिल जाएगा उस जगह पे जाने के लिए। तो देखिए लगभग रेलवे लाइन से आधा किलोमीटर मतलब हाफ किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे मतलब एक रास्ता बनाया गया है। देखिए ये रास्ता जो सीधा जा रही है, ये रास्ता सीधे चला गया, लेकिन यहाँ देखिए एक लिखा गया है इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग बहबलपुर। तो ये जो बड़ा वाला गेट दिख रहा है ना आप लोग को, इसी गेट से चलेंगे अंदर। तो इसी गेट से अंदर चलेंगे उस प्रतिमा तक जहाँ पे, तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग अभी हम उस मोड़ से जस्ट निकले हैं और आगे चल रहे हैं। तो ये रास्ता जो आप लोग को जा रहा है ये बहबलपुर के उस काली मंदिर तक जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए कुछ दूरी चलने के बाद देखिए यहाँ पे भी एक बायां साइड मोड़ है, ये सामने नहीं चले जाना है, बायां साइड यहाँ पे मोड़ है, और यहाँ से आप लोग को मेले का नज़ारा दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए क्या ये ज़बरदस्त बहुत, तो देखिए ये है मेले का दृश्य, क्या क्या आपको यहाँ पे मेले मिलेगा। देखिए ये है नाव झूला, वो रहा टावर झूला, ये रहा ड्रैगन ट्रेन। तो बहुत देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं, हम पहुँच गए बिल्कुल मंदिर के पास, देखिए हमारे पीछे आप लोग मंदिर देख रहे हैं, और लगभग हमें यहाँ पर टाइम लग गया लगभग 15 मिनट, उस रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने में लगभग 15 मिनट लगा है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि पैदल ही आएँ, ऑटो वाला टोटो वाला भीड़ में रहेगा तो ज़्यादातर परेशानी होगी। तो चलिए इस मंदिर के पास हम पहुंच गए, देखिए ये आप लोग को दिख रहा था अभी वहां से आप लोग को दिखाया था ये जो पंडाल है इसी, तो देखिए पहुंच गए हम उस मंदिर के पास। और अगर आप लोग को दिखाना चाहें तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को दिखाना चाहते हैं ये पंडाल का जो गेट देखिए इतना ऊँचाई पे है ना, ये ऊँचाई जितनी ऊँचाई माता की प्रतिमा है ना उतनी ऊँचाई ये पंडाल का ये जो दिया गया है गेट देखिए, और लगभग बताया गया है कि इस पंडाल की ऊंचाई 32 से 30 फीट ऊंचाई है। देख लीजिए आप लोग क्या ये जबरदस्त। तो चलिए माता की मूर्ति अंदर स्थापित है, आप लोग को दर्शन करवाते हैं और मेले का एंजॉय आप लोग आए और कीजिए। चलिए चलते हैं अंदर, और यहाँ पे जैसे अंदर आएंगे देखिए गेटों पर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सजावट किया गया, और सामने जो लिखा गया है यहाँ देखिए श्री श्री 108 महाकाली बहबलपुर पूजा समारोह समिति। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखिए मैया रानी की प्रतिमा देखिए यहाँ पे अभी स्थापित किया गया है, और अभी काम इस पे चल रहा है। तो देखिए ये है 32 फीट की ऊंचाई की काली माँ, देख लीजिए ये बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची मूर्ति है काली माँ की।
और इसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप लोग मैया रानी का दर्शन करने आए, देखिए अगर आप लोग को माता रानी का भव्य रूप दिखाना चाहे तो देखिए, तो जूम करके आप लोग को दिखाना चाहते हैं। बहुत ही बड़ी काली माँ की ये ऊंची प्रतिमा, और ये जो है ना, ये एक पीपल के वृक्ष के नीचे है ये मूर्ति स्थापित। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को दिखाना, देखिए यहाँ पे भी कलाकार जी यहाँ पे अंतिम रूप दे रहे हैं इस मूर्ति को। चलिए आप लोग और थोड़ा सामने से भी दिखाते हैं, और यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे अभी माता के मतलब माता का जो मूर्ति है, माता के मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और बताया गया कि यहाँ पे आज रात 9 बजे से यहाँ पे मूर्ति का बिल्कुल मेले के लिए खोल दिया जाएगा। तो अभी माता रानी की प्रतिमा के सामने जो ये आप लोग दिख रहा है बांस, अभी माता रानी का जो अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग को दिखाना चाहें तो ये माता रानी का मूर्ति जहाँ पे ना, इसके जस्ट पीछे में एक पीपल का वृक्ष है, इसी वृक्ष के नीचे इस मैया रानी का मूर्ति स्थापित है। चलिए वो वृक्ष भी आप लोग को दिखाते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे यहाँ पे जो ये मूर्ति का जो इतना बड़ी भव्य मूर्ति जो स्थापित किया गया है, और लगभग ये जो बताया गया कि बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची मूर्ति। तो चलिए आप लोग को वो पहले वृक्ष दिखाते हैं, फिर यहाँ से। तो देखिए आप लोग को दिखाना चाहते हैं वो पीपल का वृक्ष, ये जो आप लोग को गेट दिख रहा है ना, इसके गेट के अंदर वो वृक्ष को बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल देखिए, यहाँ पे देखिए ये मैया रानी का यहाँ पे मूर्ति है, और यहीं पे देखिए ये पीपल का वृक्ष है, और बहुत ही ऊंचा वृक्ष है ये, अगर आप लोग को दिखाना चाहे तो बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ पे देखिए पीपल के वृक्ष के पास पूजा पाठ बिल्कुल अच्छे तरीके से किया गया है, देखिए यहाँ पे, और इसी के जस्ट पीछे देखिए, मतलब पीपल का वृक्ष यहाँ पे और मैया रानी की मूर्ति देखिए यहाँ पे स्थापित की गई है, और 32 फीट ऊंचाई इस मूर्ति का है, और पेड़ की ऊंचाई भी बहुत है भैया। तो चलिए कुछ ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस मूर्ति की खासियत और इस भव्य मूर्ति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आखिर कब से यह मूर्ति यहाँ पे स्थापित होता है। हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं ताकि आप लोग तक ये वीडियो पहुँचे और कुछ जानकारी ले पाएं। तो चलिए आप लोग मैया रानी का दर्शन कीजिए, और माता रानी का देखिए क्या ये सुंदर रूप दिख रहा है। देखिए अगर ये बांस नहीं होता ना तो आप लोग को दिखाते क्या ये जबरदस्त लगता है देखने में। तो आइए जानना चाहते हैं यहाँ के ग्रामीण से कि यहाँ पे जो ये इतनी भव्य मूर्ति 32 फीट ऊंची ये मूर्ति आखिर यहाँ पे कब से बैठाई जा रही है। चलिए आप लोग सुनिए इनके माता रानी के यहाँ जो मूर्ति बैठाई जाती है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, क्या नाम हुआ आपका? मनोज प्रसाद सिंह। तो यहाँ पे जो ये माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई है, ये कब से स्थापित होती है? ये क्या बताना सर, कितना पुष्ट गुजर गया ये मूर्ति, कितना बाप दादा परबाबा छरबाबा सब गुजर गए, जब कब से है क्या बतावे। अच्छा, ये माता रानी की मूर्ति यहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे ही क्यों? जी इसलिए कि बाबू लोग बनाना चाहे कि मंदिर बना देंगे मैया का, लेकिन जब नहीं हुआ मैया दे दिया सर कि नहीं, हम पीपल के गाछ के पास रहे। मतलब ये मैया रानी की कृपा है कि मैया रानी बताए कि मंदिर यहाँ पे मंदिर नहीं बनाना है, अगर मूर्ति स्थापित करना है तो इसी पीपल के वृक्ष के नीचे। हाँ पीपल के नीचे हम रहेंगे सब दिन, इसलिए मंदिर नहीं बनाओ। बताया था कि ये मूर्ति जो मैया रानी का, ये बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा प्रतिमा। हाँ सबसे बड़ी प्रतिमा। कितनी ऊंचाई होगी इसकी? 36 फीट। 36 फीट ऊंचाई है। तो इस मूर्ति को बनाने में कितना दिन टाइम लगता है? एक महीना। एक महीने से। तो आप लोग देख पा रहे हैं मूर्ति की कलाकारी देखिए कितनी जबरदस्त, और मैया रानी का जीव जो यहाँ पे दिया गया इतना बड़ा, ये किस नाम से ये माता काली प्रसिद्ध है? महाकाली, बम काली भी बोला जाता है। हाँ बम काली भी बोलता है, लेकिन महाकाली है। महाकाली। तो देखिए ये महाकाली माँ का मंदिर, मतलब यहाँ पे मंदिर जो है ना, यहाँ के स्थानीय लोग बनाना चाहे, लेकिन सर बता रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर बनने नहीं दिया गया मैया रानी की तरफ से, और मैया रानी सपने में आके बताई कि यहाँ पे जो अगर मूर्ति स्थापित करना है तो मेरे इसी पीपल वृक्ष के नीचे मूर्ति स्थापित करो। तो देखिए अभी और भी कुछ जानना चाहेंगे, अगर यहाँ पे मेले में आने वालों की संख्या कितनी होती है श्रद्धालुओं की? कम से कम 4 लाख सर, न तो आइए ना आप अपने आंखों तक हाल आप देख लीजिएगा, पूरा ये बगीचा रोड में घुस नहीं सकिएगा। अच्छा, इतना भीड़ हो जाता है? इतना भीड़ लगता है, पाठा भी 500+ कटता है पाठा। देखिए बताना चाहते हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग आते हैं ना, जो मेला देखने वाले, और यहाँ पे जो पाठा का भी चढ़ाया होता है, बताया यहाँ पे 4 लाख से ज्यादा लोग, 5 लाख मान के चलिए यहाँ पे लोगों की संख्या होती है, और बहुत सारे बताया जाता है यहाँ पे। कितने दिन मेले लगते हैं यहाँ पे? जैसे आज 12 तारीख में बैठेगा, 12, 13, 14, 15 को विसर्जन होगा, मतलब 3 दिन यहाँ पे मूर्ति स्थापित। अगर आप लोग आना चाहें इस माता रानी के सुंदरता रूप को देखने के लिए और बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए, तो 15 तारीख को, 15 नवंबर को यहाँ पे माता रानी का विसर्जन होगा, तो आप लोग 12, 13, 14, 15 तक आप लोग माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। तो और कुछ जानना चाहेंगे यहाँ पे, ये जो माता रानी की मूर्ति है यहाँ पे, जो स्थानीय लोगों के सहायता से बनता है, ये चंदा करके या फिर किसी? पहले तो बहुत पहले तो स्थानीय ग्रामीण लोग बनाते थे, उसके बाद अब बहुत ज्यादा लामकाम हो गया, हर चीज का ऑर्केस्ट्रा वगैरह जागरण सब होता है। अच्छा। तो अब चंदा भी वसूला जाता है। जी सर।
तो चलिए, ये थे यहाँ के ग्रामीण जो कि बताया इस माता रानी के मूर्ति के भव्य मूर्ति के बारे में, जो कि लगभग 36 फीट ऊंचाई इस माता रानी के मूर्ति का बताया। और यहाँ पे जो आने वालों की संख्या होती है लगभग 4 लाख से ज्यादा। और अगर आप लोग को दिखाना चाहे ना तो यहाँ पे इस पंडाल की ऊंचाई को देख कर ही आप लोग बता सकते हैं कि क्या ये जबरदस्त। देखिए इस छोर से खड़े और लगभग ऊपर देखे तो लगभग 2 मंजिला से भी ऊंचा ये पंडाल का ऊंचाई है। अगर यहाँ पे खर्च की बात करें तो कितने खर्च होते होंगे इस मेले में? 10 लाख कम से कम मूर्ति बनाने में, पंडाल बनाने में, जनरेटर, झंडन बैंड, ऑर्केस्ट्रा, 10 लाख। और ओवरऑल खर्च माने तो और तो करोड़ों पहुंच जाता है। हाँ, दुकान दौरी जितना खरीद बिक्री आपका है, आम का है, वो तो छोड़िए, जो ये मेला में जो लगता है मैया को सजाने बजाने में बसाने में इतना खर्च होता है, कम से कम 2-4 लाख का तो पठा खाली कटता है। कितना पठा यहाँ पे कटता है? 500 प्लस। वो किस दिन कटता है? कल कटेगा, रात में मूर्ति बैठेगी सवेरे 8 बजे से। दिवाली के रात को मूर्ति स्थापित हो जाता है? हाँ हाँ जी, देखने के लिए आ सकते हैं लोग। हाँ, खूब बढ़िया से देखने के लिए सामने में बैठेगा। और बच्चे लोग भी यहाँ पे देखे, यहाँ पे बैठे हैं। क्या नाम है आप लोग का? खुशी कुमारी। कैसा लगता है यहाँ का मेला देख के? अच्छा अच्छा लगता है। कितने साल से देख रही हो मेला यहाँ पे? अति कितना भीड़ लगता है यहाँ पे? देरी भीड़ लगता है, पूरा बगीचा भर जाता है। थोड़ा बच्चे लोग से ही बात करते हैं, आइए थोड़ा बच्चे लोग से ही बात करते हैं। और यहाँ के ग्रामीण से तो बात हो गया है, बच्चे लोग से क्या नाम हुआ तुम लोग का? जी प्रिंस। क्या मूर्ति कितना दिन से बैठता है यहाँ पे? बहुत दिन से। हाँ। मेला लगता है यहाँ पे? कितना भीड़ लगता है? बहुत भीड़ लगता है। तुम्हारा नाम क्या है जी? सत्यम। तुम भी मेला देखते हो? हाँ। कितना भीड़ लगता है यहाँ पे? ढेरी भीड़ लगता है। तो चलिए, ये लोग बच्चे लोग थे, थोड़ा बच्चे लोग एंजॉय कर। देखिए ये कह रहा हमरो पूछिए, देखिए ये बच्चा बोल रहा हमसे भी, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए बच्चे लोग थे, थोड़ा मस्ती हो गया, बच्चे लोग बोले कि हमारा भी थोड़ा इंटरव्यू लीजिए। तो चलिए बच्चे लोग से इंटरव्यू लेते हैं। और चलिए आप लोग माता रानी के इस भव्य प्रतिमा को देखिए। और अगर आप लोग मेला देखने आना चाहते हैं तो 15 नवंबर को मूर्ति का विसर्जन होगा, इसके बाद आप लोग इस मूर्ति का फिर दीदार नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अभी माता रानी के मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो सोचे चलिए आप लोग तक ये ब्लॉग पहुंचा दे, ताकि आप लोग तक ये वीडियो पहुंचे और ताकि आप लोग यहाँ पे देख पाए। चलिए ये जो आप लोग को ये बैरिकेडिंग दिख रहा है, ये अंतिम रूप देने के लिए अभी तैयार होगा। इसके बाद मैया रानी का बिल्कुल मतलब जो पहनावा होता है वो सभी पहनाएंगे, और यहाँ पे भी मूर्ति तैयार किया जा रहा है। तो चलिए आप लोग को कैसा लगा ये ब्लॉग आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए इस पंडाल से जब निकले हैं यहाँ बाहर, तो जो सर बता रहे थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे, वो बताया कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे खड़े रहने तक का जगह नहीं होता है। और जगह की बात करें तो देखिए बहुत ही जगह जबरदस्त जगह है। यहाँ पे चाट वाले सबका दुकान लग चुका है, जो कि लगभग से मेले में आने वालों की संख्या जो होती है चाट खाने वालों की होती है, चाट चाउमीन सबका दुकान लग चुका है। अगर यहाँ से दिखाएं तो देखिए क्या ही जबरदस्त बगीचे के पास है और मूर्ति इसके अंदर स्थापित है। चलिए आप लोग को दिखा दिए इस काली माँ की प्रतिमा, जो कि बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो चलिए अगर आप लोग मेला देखने आते हैं, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग को चाट चाउमीन यहाँ भी देखिए, तो भैया यहाँ पे चाट चाउमीन का बहुत ही ज़्यादा दुकान लगा हुआ है। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं बाहर और भी दिखाते हैं थोड़ा इस मेले में क्या क्या आया हुआ है। और जो आप लोग को उस साइड से जब हम आ रहे थे तो वहाँ दिखाएं आप लोग को झूला टावर सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। तो देखिए अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है, आज जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज ये दीपावली के दिन हम आप लोग को तक ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट डे आए काली मेला देखने के लिए, दीपावली के एक दिन बाद यहाँ पे काली मेला लगता है। तो चलिए कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग चाट चाउमीन जो भी खा सकते हैं। दर्शन करवा दिए बिहार और झारखंड की सबसे ऊंची काली माँ की प्रतिमा, लगभग 32 से 36 फीट की ऊंचाई थी। और उस माँ के मतलब जो मूर्ति था उस माँ को अंतिम रूप दिया जा रहा था। तो चलिए कैसा लगा आप लोग का ब्लॉग आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर इस जगह की बात करें तो आप लोग को बिल्कुल शुरू से लोकेशन देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, अगर आप लोग नाथनगर रेलवे स्टेशन से उतरते हैं ट्रेन से तो सीधा आइए पश्चिम, और वहाँ से केबिन बना हुआ है, वो रोड सीधा आएगा आप लोग का इस बहबलपुर। तो चलिए अगर ऐसे ही अगर आप लोग प्यार दिखाते रहेंगे तो आप लोग को ऐसे ही ब्लॉग मिलते रहेगा, और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और इस माँ के भव्य प्रतिमा के लिए कम से कम एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय माँ काली। और अगर आप लोग यहाँ पे दर्शन करने आना चाहते हैं, मेला घूमने आना चाहते हैं, तो बताया गया कि यहाँ पे 15 नवंबर तक ये मूर्ति स्थापित रहेगा, इसके बाद फिर विसर्जन हो जाएगा।
तो आज जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 12 नवंबर को है और मूर्ति आपको भैया 15 तारीख तक ये आप लोगों को दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से नव लोग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। और हो सके फ्रेंड्स इस भाई के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक देख रहे तो फॉलो जरूर कीजिएगा। नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप जरूर फॉलो कीजिए और अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप लोग उसे डीएम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाबा रहा। इस काली माँ के लिए जय माँ काली जरूर कमेंट में कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।